वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एक शेयर के बारे में। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। इस शेयर का नाम है सेक्ट सॉफ्ट लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 915 रुपये का करंट प्राइस है और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है वो 1.83% लो पे हुई है। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को आप चाहो तो मेरी वीडियो प्ले करके देख लेना जो मैंने उसमें बोला था। और 10 अक्टूबर को जो उसका प्राइस था वो करीब 1064 रुपये के आसपास था, यानी समथिंग 1070 रुपये के आसपास हम कह सकते हैं। और उस समय आपको याद होगा मैंने ये बात बोली थी जब तक अब ये शेयर 1100 रुपये के ऊपर एक या दो दिन सस्टेन ना हो तब तक कोई भी न्यू बायर इसे बाइंग नहीं करेंगे। और अगर किसी ने शेयर अभी बाय कर रखा है तो मैंने एक एसएल दिया था, आपको याद होगा वो एसएल मैंने यहाँ का एक सपोर्ट था उस पर दिया था कि 1020 रुपये का, 1020 का मैंने एक एसएल दिया था आपको कि अगर किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो इस प्राइस के साथ आपने ट्रेड करना है। तो जैसे ही इसने 1020 को ब्रेक करा उसके बाद एक अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक डाउनफॉल आया है। फिर शेयर ने 50 डीएमए को ब्रेक करके एक नीचे करीब 912 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया। फिर वहाँ से इसने रिकवरी करी, फिर दोबारा अभी के टाइम में 914 रुपये के आसपास इसकी डे की क्लोजिंग हुई है। और अभी के लिए जो उसका प्राइस है पूरे चांस है कि शेयर 900 रुपये को ब्रेक ना करे और यहाँ से सपोर्ट लेगा और रिकवरी भी करके दिखाएगा। पर इन केस अगर ये शेयर 900 रुपये को ब्रेक करके अपनी डे की क्लोजिंग देता है उस कंडीशन में इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो न्यू बायर इसे अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो ध्यान रखें जब तक 50 डीएमए के ऊपर 2 या 3 दिन ये शेयर ना सस्टेन हो तब तक कोई भी न्यू बायर से बाइंग ना करे। अब बात करते हैं अपनी अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है केपी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 307 रुपये 80 पैसे है और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 2.76% लो पे। एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। और लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 25 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को जो हमारा प्राइस आ रहा है यहाँ पर वो उस समय 306 रुपये का एक सपोर्ट लिया था। और मैंने कहा था कि पूरे चांस है कि शेयर 300 रुपये को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से रिकवरी कर सकता है। और उसके बाद शेयर ने एक अच्छी खासी कोशिश करी थी रिकवरी करने की, पर ये 50 डीएमए को टच कर गया पर उसे ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से फिर एक डाउनफॉल आया। तो अभी के लिए मैं सिंपल कह सकता हूँ शेयर कि इसका जो 300 रुपये का सपोर्ट है अभी भी पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी कर सकता है। पर अगर 300 रुपये को ब्रेक करके ये इसने डाउन साइड किसी भी दिन अपनी डे की क्लोजिंग दी तो उस समय बहुत बड़ी गिरावट इसमें आप हमें देखने को मिल सकती है। और न्यू बायर वही है जब तक 50 डीएमए के ऊपर ये शेयर एक या दो दिन सस्टेन ना हो तब तक कोई भी न्यू बायर इसे बाइंग ना करे। और एसएल का वही है अगर 300 रुपये से को ब्रेक करके किसी भी दिन ये अपनी डे की क्लोजिंग देता है तो उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।